ओम नमः शिवाय। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 1 अगस्त 2020 को दैत्य गुरु शुक्र, जो कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका सभी राशियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और सभी राशियों के ऊपर इसका अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं इसका वृषभ राशि के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। देखिए, 1 अगस्त के दिन 5:09 पर यह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 सितंबर तक यानी 1 माह की अवधि तक मिथुन राशि में शुक्र मौजूद रहने वाले हैं। उससे पहले यह देख लेते हैं कि शुक्र ग्रह का क्या प्रभाव होता है। तो देखिए, दाम्पत्य जीवन, प्रेम जीवन और कला से जुड़े हुए सभी चीजों पर इनका व्यापक रूप से प्रभाव होता है। वर्तमान समय में अगर बात की जाए तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण भारत के साथ पूरे विश्व में है, जिससे कलात्मक चीजें अगर देखा जाए तो सिमट सी गई हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो निरंतर प्रभावी हैं, जैसे मीडिया क्षेत्र है, प्रेम जीवन है, वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन, ये सारी चीजें अभी भी प्रभावी हैं। शुक्र को एक शुभ ग्रह के नाम से ज्योतिष में जाना जाता है और इनके प्रभाव के कारण भौतिक, शारीरिक और वैवाहिक सुखों की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में बली अवस्था में शुक्र होते हैं तो वैवाहिक जीवन काफी खुशनुमा होता है और जीवन में कई प्रकार के लाभ देखने के लिए मिलते हैं। शुक्र के प्रभाव के कारण जो इंसान का व्यक्तित्व तो होता है वो काफी प्रभावी होता है। जातक मृदुभाषी होता है, साथ में गायन, वादन, संगीत की ओर काफी ज्यादा रुझान होता है और इन चीजों में काफी पारंगत भी होता है। शुक्र को वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है। मीन राशि इनकी उच्च राशि होती है तथा कन्या राशि इनकी नीच राशि मानी जाती है। वहीं अगर पीड़ित अवस्था में शुक्र होते हैं तो प्रेम जीवन में बाधाएं देखने के लिए मिलती हैं, पति पत्नी के मतभेद देखने के लिए मिलते हैं और वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं शुक्र के अशुभ प्रभाव के कारण मानसिक और शारीरिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इसका वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो वृषभ राशि वाले जातकों, आपके द्वितीय भाव में शुक्र का गोचर होने जा रहा है, तो इससे द्वितीय भाव से परिवार, धन संपदा, ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती हैं। तो यह गोचर आपके लिए खुश नुमा और अनुकूल रहने वाला है। शुक्र के इस गोचर से वृषभ राशि वाले जातकों के पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा खुशियां देखने के लिए मिलेगी। पारिवारिक जीवन में काफी ज्यादा सुधार देखने के लिए मिलेगा। इस समय अवधि में आप अपना कीमती वक्त निकालकर परिवार को देने के लिए समर्थ होंगे। इस समय अवधि में आपको आर्थिक रूप से काफी ज्यादा लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। धन आगमन की पूर्ण रूपेण संभावना इस गोचर से बनती हुई दिखाई देगी। इस दौरान, इस 1 माह के दौरान आपका आत्मबल और आपका मनोबल काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहने वाला है और अपने कार्य क्षेत्र में आप तेजी से तरक्की करते हुए भी नजर आएंगे। रचनात्मक कार्यों में आपकी काफी ज्यादा रुचि होगी, जैसे संगीत है, साहित्य है, इन विधाओं में आपकी काफी ज्यादा रुचि होगी और इन विधाओं की जो शिक्षा ले रहे हैं जातक, उनके लिए काफी समय अनुकूल रहने वाला है। शुक्र के इस गोचर से वृषभ राशि वाले जातकों के खर्च में अनायास वृद्धि देखने के लिए मिलेगी और यह खर्च आपके परिवार के ऊपर हो सकता है, आप दिखावा करने के लिए कर सकते हैं और अपने ऊपर इस खर्च को आप करते हुए देखे जाएंगे। इस समय अवधि में आपके वाणी में मिठास बढ़ता हुआ नजर आएगा और आपका व्यक्तित्व काफी ज्यादा मजबूत होगा, जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करने के लिए जाने जाएंगे और लोगों के ऊपर काफी ज्यादा अपना प्रभाव बना पाएंगे। इससे आपका सामाजिक और मानसिक रूप से प्रसन्नता देखने के लिए मिलेगी और समाज में, परिवार में आपका सम्मान भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर काफी अनुकूल है। वृषभ राशि वाले जातक जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए समय काफी अनुकूल रहने वाला है। अपने कार्यस्थल पर, अपने व्यावसायिक जीवन में आप उत्तम निर्णय को लेते हुए चौतरफा विकास करते हुए नजर आएंगे। आमदनी के नए सोर्स आपको जीवन में देखने के लिए मिल सकते हैं। वहीं वैवाहिक जीवन आपका काफी खुशनुमा रहने वाला है। इस गोचर में अगर आपके लिए कुछ सावधानी की बात की जाए तो आपको खर्च पर जरूर नियंत्रण रखना चाहिए और इस समय अवधि में आपको कर्ज लेने और देने से भी जरूर बचना चाहिए। तो शुक्र से जुड़े हुए कुछ चीजों को अगर उपाय हम आपको बताएं तो आपको सफेद वस्तुओं का दान शुक्रवार के दिन जरूर करना चाहिए। तो अगर उपाय की बात की जाए तो वृषभ राशि वाले जातकों के बहुत सारे कमेंट आते हैं, जिसको पढ़कर मन में बहुत ज्यादा खेद होता है। आप लोगों के कमेंट होते हैं कि जीवन में निरंतर प्रयासरत होने के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, परिवार के व्यक्ति हमारा समर्थन और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम आपको आज कुछ मोटिवेशन देने जा रहे हैं, जिससे आपके मन में उत्साह देखने के लिए मिलेगा और निश्चित ही आपके मन में तनाव खत्म होगा। तो एक कहानी के माध्यम से हम आपको समझाने जा रहे हैं। देखिए, एक बार एक
एक समुद्र के किनारे एक बच्चा बैठा हुआ था और रो रहा था काफी ज्यादा। तो कुछ लोगों ने उसके पास आए और पूछा, भाई क्यों रो रहे हो? तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि मैं अपनी चप्पल को इस किनारे पर उतारा हुआ था तो समुद्र यह मेरी चप्पल को लेकर चला गया, यह काफी ज्यादा चोर है, ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, यह गलत है। और कुछ समय पश्चात बच्चे ने रोते हुए उस रेत पर लिख दिया कि समुद्र चोर है। इस कहानी को आप समझिएगा, काफी ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। एक मछुआरा कुछ दूर जाने पर अपनी नाव से मछली पकड़ रहा था और कुछ समय पश्चात उसकी नाव डूब जाती है और उसने जो सारी मछलियां नाव में पकड़ के रखी हुई थी वो सारी मछलियां समुद्र में चली जाती हैं। इससे मछुआरा काफी ज्यादा क्रोधित होता है और समुद्र को कोस रहा था और खेद भी व्यक्त कर रहा था। उसकी जो जीविका का सहारा था, जो उसकी आय का सहारा था, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। कुछ दूर जाने पर एक माँ और जो बेटी थी, एक बेटी काफी ज्यादा माँ काफी ज्यादा रो रही थी, जो उसकी बेटी थी समुद्र में नहाने के लिए जाती है और समुद्र उसको निगल लेता है और समुद्र को काफी ज्यादा कोस रही थी और रो भी रही थी। ये सारी बातें हवा देख रहा था। कुछ समय के पश्चात जब हवा समुद्र से सवाल करता है, क्योंकि समुद्र हवा का दोस्त था, तो हवा ने समुद्र से सवाल किया कि भाई ऐसा क्यों करते हो, लोगों को क्यों परेशान करते हो? तो समुद्र का जवाब था कि कल आकर आप इस स्थिति का आकलन करना और कल फिर से मैं आपको जवाब इस बात का दूंगा कि मैं ऐसा क्यों करता हूं। तो जब कल हवा आके देखती है तो समुद्र के किनारे क्या होता है कि एक बच्चा काफी ज्यादा उछल कूद कर रहा था और बहुत ज्यादा हंस रहा था और समुद्र को काफी ज्यादा धन्यवाद स्थापित कर रहा था, क्योंकि समुद्र से जो मलबा बहकर आता है उसमें एक गेंद बहकर आई हुई थी, एक बॉल बहकर आई हुई थी और उसको पाकर बच्चा काफी ज्यादा प्रसन्न था और समुद्र को धन्यवाद स्थापित कर रहा था। कुछ दूर जाने पर हवा ने यह देखा कि एक जो मछुआरा है काफी ज्यादा खुश है और उछल कूद कर रहा है। मछुआरा साष्टांग प्रणाम समुद्र को कर रहा है और वह बोल भी रहा था कि तूने मेरी बहुत सारी मदद कर दी, तू मेरा पालनहार है, क्योंकि समुद्र के अंदर जो मछलियां मरी हुई थी वो बहकर आई हुई थी और उसको मछुआरा इकट्ठा कर लिया था और वो उसने बोला कि आज मेरा परिवार भूखों मर जाता है, इसलिए तुमने मुझे मछली देकर मेरे परिवार का आज पेट भरने का काम किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मछुआरा समुद्र को धन्यवाद स्थापित कर रहा था। हवा कुछ दूर और आगे जाती है और उसने एक माँ को देखा, जो माँ मूंगफली बेचती थी और उस माँ को एक सीप मिलता है। उस सीप को जैसे ही माँ खोलती है तो उसने देखा कि उसमें एक मोती रखा हुआ है और माँ काफी ज्यादा प्रसन्न हुई और समुद्र को काफी ज्यादा धन्यवाद कर रही थी। ये सारी चीजें देखकर, दो विपरीत स्थितियां देखकर हवा के मन में काफी ज्यादा संशय हुआ। तो समुद्र ने जवाब दिया हवा को, क्योंकि हवा ने सवाल किया हुआ था कि पहले दिन तुम ऐसा क्यों कर रहे थे, लोगों को परेशान कर रहे थे। तो समुद्र ने कहा कि मेरा काम है तट पर आना और लोगों का काम है अपने अपने अनुभवों के आधार पर मुझे कुछ न कुछ कहना। क्या लोगों के कहने पर मैं अपना बहना छोड़ दूं? तो दोस्तों, जी हाँ, आपके जीवन में इस कहानी से ये सीख मिलती है। समुद्र का कहना यह भी था कि पहले दिन जो बच्चा रो रहा था, दूसरे दिन आप देख सकते हैं कि वही बच्चा हंस रहा है। एक दिन मछुआरे की नाव डूब जाती है, दूसरे दिन मछुआरा काफी ज्यादा प्रसन्न है। जीवन में जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो आपके जीवन में लोग आपका रास्ता रोकने के लिए काफी ज्यादा समर्थ हो जाएंगे और आपके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्योंकि लोग अपनी काबिलियत के आधार पर, अपने अनुभवों के आधार पर आपको जीवन में राय देते हैं और आपके जीवन में आपको जानकारी देते हैं। वास्तविक में आपके जीवन में ऐसी कौन सी उपलब्धि छुपी हुई है, इसकी जानकारी केवल आपको ही है। तो यदि जीवन में आप आगे बढ़ेंगे तो कोई आपका मजाक उड़ाएगा और कोई आपको भूतकाल के बारे में ताना देगा, जीवन में भविष्य को लेकर कोई बात ताना देगा। लोगों का काम है केवल कहना। जिस दिन यदि आप सफल हो जाएंगे तो लोगों के सुर भी बदलते हुए समय नहीं लगते, इसलिए लोगों को गिरगिट भी कहा जाता है। अक्सर हमने देखा है कि कई बार लोग अपने पड़ोसी, अपने घर के व्यक्तियों के कहा सुने के कारण कि लोग क्या कहेंगे, इस कारण अपने सपनों को मार देते हैं और जीवन में हाथ पैर बांध कर बैठ जाते हैं। हमें सबसे बड़ी सीख प्रकृति से लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रह निरंतर परिवर्तनशील है, प्रकृति निरंतर परिवर्तनशील है। इससे हमें जीवन में यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कोई भी व्यक्ति कुछ भी कहे, हमें निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, प्रकृति में कई प्रकार के ऋतुओं में परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। इससे हमेशा जीवन में यही सीख मिलती है कि हमें गतिमान रहना चाहिए। यदि आप अपनी ग्रोथ को रोक देंगे, अपनी गति को रोक देंगे, एक बार असफल होने के पश्चात आप हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाएंगे, अपने आप को कोसने लगेंगे, तो जीवन में आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे
और आपके अंदर आपके मन में निगेटिविटी और नकारात्मक ऊर्जा काफी ज्यादा बच जाएगी, नकारात्मक ऊर्जा आपके मन में समा जाएगी और जो असफल लोग हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा ताना देंगे, आपके परिवार के चाहे व्यक्ति हो चाहे आपके समाज का कोई भी व्यक्ति हो आपको काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट करेगा। इसलिए आज से आपको यदि जीवन में आप परेशान हैं और आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको ऐसे व्यक्तियों के साथ दूर भी रहना चाहिए, और यदि आपके घर का व्यक्ति है आपका ब्लड रिलेशन मैच करता है उस व्यक्ति से तो आप उसके अनुभवों को लें, लेकिन उस व्यक्ति के अनुभवों को अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं उतारना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो जीवन में आप जरूर सफल होंगे। अपने आत्मविश्वास को अपने धैर्य को बिल्कुल भी बनाकर रखें और चाहे जीवन में कितनी भी प्रतिकूल स्थितियां क्यों ना हो अपने धैर्य को बिल्कुल भी बनाकर रखें, आप जीवन में जरूर सफलता की ऊंचाइयों को आप पहुंचेंगे। जीवन में आप किसी ऐसे व्यक्ति का हमें नाम बता दें जो व्यक्ति जीवन बिना संघर्ष किए जीवन में सफल हो गया हो और जीवन में उपलब्धियों को हासिल किया हो। जीवन में हर व्यक्ति के संघर्ष होता है, कोई व्यक्ति जीवन में उस संघर्ष को झेलकर सफल हो जाता है और कोई व्यक्ति जीवन में लोग क्या कहेंगे इसके बलबूते पर इस कहने के आधार पर अपने आप को रोक लेता है। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान धर्म एवं दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरें और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।